आप सबको आज तकलीफ देने का मकसद यहाँ पर यही था। आज का जमाना जो है ये इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, और इन्फॉर्मेशन जिसके पास है वो एक्चुअली शो को रन करता है। तो आप सब जो है वो हमारे काम के जो पुलिसिंग है उसके एक बड़े पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि आप ही के जरिए जो है हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है, और हम जो कुछ करते हैं उसका असेसमेंट, उसका इवैल्यूएशन आप करते हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है कि हम आपस में जो है बड़े क्लोज तरीके से जुड़े हुए हों, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन हो, और उसी को बनाने के लिए आज का ये पहला कदम। मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पर मैंने इंश्योर किया है कि हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ पुलिस का जो रिश्ता है वो बड़ा कॉर्डियल रहे। अगर इस रिलेशन में कहीं भी कोई दरार हो तो मिसकम्युनिकेशन की चांसेस रहते हैं। बारामूला एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जितना आप मुझसे इंफॉर्मेशन की उम्मीद करेंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपसे इंफॉर्मेशन की उम्मीद करूंगा, क्योंकि बड़ी बार आप स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचते हैं, बाद में हमारी पुलिस पार्टी आती है। ये भी बड़ी जगहों पे होता है, आपके नेटवर्क स्ट्रांग है, आपके स्ट्रिंगर्स हर जगह फैले हुए होते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई एम वर्किंग एज स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट कश्मीर न्यूज़ सर्विस। यो सर, माय नेम इज विनायक बशीर, मैं काम कर रहा हूं केएनएस वीडियो एडिटर। अच्छा सर, मेरा नाम कौशल अरफात है और मैं एटीवी भारत के साथ काम करता हूं। मैं सोपोर में रहता हूं। नदी वानी, मैं बारामूला में रहता हूँ। आई एम वर्किंग विद जेके 24/7। चार प्रकार ये, मैं कश्मीर उसमें मल्टीमीडिया से कई सालों से काम कर रहा हूँ। सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट है, एडिटर एक्स प्रवास न्यूज से काम करता हूँ। आई एम नॉर्थ हेड पार्टनर, मिडल ऑफ कश्मीर एंड द सीएस। सर मेरा नाम रिजवान अमीर है, सर रिजवान फ्रॉम बारामूला, पंजाब केसर कश्मीर का। पंजाब केसर, जी सर। सर मेरा नाम खान आबिद है, मैं कश्मीर वायर के साथ काम कर रहा हूँ। सर मेरा नाम मुदस्सिर मल्ला है और मैं न्यूज 18 इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ। सर नदीम ख्वाजा उड़ी, केएनएस नॉर्थ एंड। सर मुजर अहमद फ्रॉम हेड एरिस पे हेडलाइंस। उमर रशीद, वर्किंग विद उर्दू न्यूज़ कश्मीर एज एडिटर एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर कश्मीर कन्वीनियर। सर मेरा नाम खान मुजफ्फर, मैं उर्दू न्यूज़ कश्मीर से। सर अल्ताफ बाबा, अब आप सब जो है वो हमारे कस्टोडियन है, आई वुड से कि हमारा, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा क्या व्यवहार है पब्लिक के साथ, ये सब जो है ये आप तय करेंगे। और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि बी अ फेयर जज, अगर मेरे से गलती हो रही है तो आप जरूर उंगली उठाकर मुझे बताएं कि जनाब ये आपका जो महकमा है ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये सही नहीं है। सही को सही और गलत को गलत कहने का फेयर जर्नलिस्ट का जो एक फर्ज है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर कायम रहें। मैं अपने अफसरों को भी यही हिदायत देता हूं, दिया है मैंने अभी भी यहां आने के बाद भी, कि आपका जो भी प्रोसेस होगा पुलिसिंग का, इट शुड बी फेयर। तो हमारे हाथों से किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और कोई गुनेगार जो है वो हमारे साथ छूटना नहीं चाहिए। दिस इज द पॉलिसी ऑन विच बारामूला पुलिस इज वर्किंग। तो आपसे भी मुझे ये उम्मीद है कि आप भी एक फेयर जज बने, जहां हम गलती करें आप बेशक हमें बताएं कि ऐसा ऐसा है, ये गलत है, जहां हम सही करें वहां आपकी तारीफ भी हमारे हक में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप ही से है हम, और आप ही से हमारी जो भी इम्प्रेशन सोसाइटी में रहेगी वो आपसे ही बनेगी। आप ही हमारी पूरी परसेप्शन के, हमारी पूरी नरेटिव के जो है कस्टोडियंस है। और सर दरार से पुलिस और मीडिया के दरमियान, हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, खुसूसन बारामूला जिले की बात करें, तो एक मजबूत रिश्ता पहले से ही मजबूत है, और हर वक्त बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और यहाँ की जर्नलिस्ट पुलिस के साथ बखूबी तालमेल रखे हुए हैं। तो कभी पूछते हैं कि आप पुलिस की कोई बाइट ले लीजिए, तो कभी कुबार हमारे हदूद जो होते हैं, चाहे एसडीपीओ साहब होते हैं, एसएचओ साहब, तो उस वक्त अगर उनको कभी अलाउ किया जाए तो कभी हमें पूछते हैं कि उसका पुलिस महानगर से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई के लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, तो जो बातें यहाँ पर हुई, जैसे कि गुलजार साहब ने बताया कि हम क्या दिखना चाहते हैं, क्या होता है हमारे साथ,
पहला हमारा एक स्लोगन था कि ये होता था कि अपना तो काम है जलाते रहे चराग रस्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर में। सर वी हैव टू ब्रेक द न्यूज़ फर्स्ट। सर जूनियर किसी डीडीओ के साथ जो भी हमारा कंसर्न एसएचओ होता है या एसडीपीओ होता है, सर इफ दे आर नोइंग द फैक्ट दे स्टिल डिनाइड।